विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये रेरे ब्रह्माण्डकोट्यः फलक बहुविधम् रोमकूपे स्वभीक्षणम् ईशारे सावकाशम् निजपदविहिताम् सद्व्यवस्थाम् विधत्त रक्ता भक्ता विरक्ता बिलसत सकले सत्कले निष्कले वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थम् वयमिह कुशला उत्कलम् संविशामः श्रीपूर्णानन्दतीर्थम् वयमिह कुशला उत्कलम् संविशामः ॐ। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के आकर्षण के लिए उन्हें प्रणय निमंत्रण प्रणय आमंत्रण देने के लिए बांसुरी बजाई। बंसी ध्वनि से गोपियां पहले से ही मुक्त थे। भगवान के दर्शन से, भगवान की बंसी ध्वनि के श्रवण से, उनके गुण वर्णन से, उनके नाम से, उनके रूप से, उनकी लीला से, उनकी चेष्टा से, उनकी क्रीड़ा से गोपियों का हृदय श्री कृष्ण में लग गया था। आप एक बात पर ध्यान दें, मनुष्य के मन की क्या दशा है? वो वासना से विवश, मोह से आक्रांत जहाँ तहाँ संसार में भटक रहा है। यहाँ से मन हटा, वहाँ गया, वहाँ तका, फिर वहाँ से हटा, फिर दूसरी जगह सटा। इस तरह मनुष्य का मन यदि आप सावधानी से देखेंगे तो बाल्यावस्था से अब तक उसने सैकड़ों वस्तुएं पकड़ी और सैकड़ों वस्तुएं छोड़ी, कहीं भी उसमें स्थिरता नहीं आई। संसार की वस्तुएं भी बदलती रहती हैं, मन भी बदलता रहता है। विषय परिवर्तनशील है, इंद्रियां पूर्णतः समर्थ नहीं है, जितना भोग हम करना चाहते हैं उतना भोग नहीं कर सकते, और मन परिवर्तनशील है, और भोक्ता जो है वो बीच बीच में सो जाया करता है। विषयों में परिवर्तन आता है, इंद्रियों में असमर्थता आती है, मन में अरुचि आती है, और भोक्ता जो है वो बेहोश हो जाया करता है। सब इस संसार में भोगने के लिए कौन सा ऐसा सुख है जिससे मोह किया जाए, जिसके साथ अपने आप को बांध दिया जाए? न किमपि भोग्यम उत्पश्यामः। विचार करने पर इस सृष्टि में कहीं भी कोई भोग्य पदार्थ देखने में नहीं आता। चार प्रकार के सुख देखने में आते हैं सृष्टि में। एक तो विषय भोग से मनुष्य अपने को सुखी अनुभव करता है, और एक विषय भोग के मनोराज्य से मनुष्य अपने को सुखी करता है, और एक विषय के अभिमान से मनुष्य अपने को सुखी करता है, और चौथी वस्तु है जिस चीज की आदत पड़ जाती है उसके द्वारा मनुष्य अपने को सुखी अनुभव करता है। विषय भोग संबंधी मनोराज्य, विषय के स्वामित्व का अभिमान और अभ्यास, इन चार पदार्थों में मनुष्य अपने को सुखी अनुभव करता है। वैशेषिक दर्शन की उपस्कार वृत्ति में इन चारों का संग्रह करके एक साथ उल्लेख मिलता है। तो यदि हमारा मन संसार के विषयों से ही प्रेम करता रहेगा तो एक दिन विषय हमको छोड़कर चले जाएंगे और रोना पड़ेगा। अवश्यम जाता रहा चिरतर मुषित्वापि विषया योगे को वेदस्य गति न जनो यत्स्वयममुन् व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्ता ह्येते समसुखमनन्तं विदधति। ये विषय यदि छोड़ के चले जाएंगे हमको स्वयं,
तो बहुत दुख दे के जाएंगे, और यदि हम इनको छोड़ देंगे तो हमको छोड़ने का एक सुख मिलेगा। इसलिए संसार के विषय भोग में जो सुख मालूम पड़ता है वो दुखो दर्क है, अंत में उसके फलस्वरूप दुख की प्राप्ति होगी। अब कहो कि आओ हम अपने मन को आज्ञा देते हैं कि अरे मेरे मन, तू विषयों का स्मरण मत कर, विषयों की आसक्ति मत कर, विषय वासना में मत फंस। तो मन हमारा आज्ञाकारी तो है नहीं कि हम हुक्म दे दें और मन मान ले। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब हमारा ही मन हमारी आज्ञा नहीं मानता है तो दूसरे से जो हम आज्ञा मानने की आशा रखते हैं वो तो बिल्कुल दुराशय मात्र है। वे लोग तो बड़े दुखी हैं जो दूसरों से अपने मन की बात मनवाने के लिए, करवाने के लिए व्याकुल रहते हैं और दिन भर में 100 बार दुखी होते हैं। तो बहुत सोच विचार कर देखने पर मालूम होता है कि मन ज्यादा समझाना बुझाना नहीं मानता है, मन आज्ञाकारी नहीं है। इसको तो जब एक उत्तम विषय दिया जाए चिंतन के लिए, मनन के लिए, आसक्ति के लिए, वासना पूर्ति के लिए, एक ऐसा उत्तम विषय दिया जाए, एक ऐसी लकीर खींच जाए सुंदर सुंदर, मधुर मधुर, मोहक मोहक, उस मनमोहनी रेखा के सामने संसार की सब आकृतियाँ, सब चित्र फीके पड़ जाए। और हमारे शास्त्र ने, हमारे महापुरुषों ने भगवान का जो चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है, यदि हम चित्र की तरह भी उसको देखें तो उस चित्र यंत्र का, उस चित्र में जो लकीरें हैं, रेखाएं हैं, उन रेखाओं का आप लोगों ने कभी ध्यान किया हो न किया हो, यदि षटकोण का ध्यान करें, त्रिकोण का ध्यान करें, षटकोण त्रिकोण में भगवान का ध्यान करें, द्वादश त्रिकोण का ध्यान करें, षट त्रिकोण का ध्यान करें, अरे और तो छोड़ दो 15 विकास का ध्यान करें जिनमें संख्याएं लिखी रहती हैं, वो 15 है, दिशा है, ये 15 है, उनका भी यदि हम ध्यान करने लगे तो उनकी लकीरों पर हमारा मन घूमने लगता है और संसार के विषय चिंतन को छोड़ देता है। जब तक मन को एक परिपुष्ट सहारा नहीं दिया जाएगा तो वो परिपुष्ट सहारा भी एक तो होता है वस्तु की प्रधानता से, जैसे कीमती हीरा सामने रख के और उसमें त्राटक लगाओ अपनी आंखों को स्थिर करो, और एक होता है विवेक की प्रधानता से इसमें दोष दर्शन करो, और एक समूची सृष्टि का आनंद, सृष्टि के परे का आनंद, सब का सब समेट करके त्रिलोकी में, त्रिलोकी की समग्र जनता को अब तक जितना आनंद अनुभव में आया है और अब आनंद अनुभव में आ रहा है और आगे अनंत काल पर्यंत जिस आनंद का अनुभव होगा, वही आनंद मूर्तिमान होकर हमारे इष्ट देव के रूप में सामने आ गया है और वही ताका थेई करके ठुमक ठुमक के पाद विन्यास करता है और वही आनंद मूर्ति अभिचल हमारे सामने नृत्य कर रही है। जहाँ ये भाव हुआ मन में वस्तु की प्रधानता से ध्यान, विवेक की प्रधानता से ध्यान और आनंद की प्रधानता से ध्यान, तो वस्तु की प्रधानता से जो ध्यान होता है वो स्थिरता लाता है, उससे समाधि लगती है। विवेक की प्रधानता से जो ध्यान होता है वो वैराग्य वृत्ति के रूप में परिणत होकर असंगता लाता है, और आनंद वृत्ति से जो ध्यान होता है वो अपने परम प्रेमास्पद वस्तु का, तत्व का साक्षात्कार कराता है। श्रीमद् भागवत में ये प्रश्न उठाया, ब्रह्मन् परोर्भवे कृष्णे इयान् प्रेमा कथम् भवेत्। परीक्षित ने कहा, महाराज लोगों का अपने बालकों से जितना प्रेम नहीं होता उतना प्रेम पराए बालक, नंद बाबा के बालक कृष्ण से लोगों का क्यों हो गया? इसका उत्तर दिया सुखदेव जी ने, कृष्ण मे नमोभि त्वम आत्मानम अखिल आत्मनाम जगद्धिताय सोक्यत्र देही वा भाति मायया वस्तुतो जानता मत्र कृष्णम स्थाष्णु चरिष्णु च भगवद रूप मखिलम नान्यत वस्तिह किंचन। वासना की शांति के लिए मन की स्थिरता काम नहीं करती है, मन जब तक स्थिर रहेगा तब तक मन शांत रहेगा, और जहाँ मन फिर जगा वहाँ वासनाएं भी जग जाते हैं।
और दोष दृष्टि विवेक मूलक जो दोष दृष्टि है वो भी मन में वैराग्य का आधान करने में दीर्घ काल में समर्थ होता है। जब बहुत बहुत विवेक का अभ्यास होगा, विवेक वैराग्य बनेगा, वैराग्य असंगता को जाहिर करेगी, असंगता आत्मा में होती है, वैराग्य वृत्ति की निवृत्ति है, और विवेक मूलक जो दोष दृष्टि है वो तो वृत्तियों का एक प्रकार का अभ्यास ही है, वैराग्य में निवृत्ति है और असंगता स्वरूपगत है, तो दोष दृष्टि वाला वैराग्य ऐसा होता है। अब यदि किसी को साक्षी भाव या असंगता का उदय भी हो गया हो परंतु परिच्छिन्नता न कटी हो, मूल बात उसमें द्वैत भ्रम की निवृत्ति है, अपने परिच्छिन्नपना की निवृत्ति है, परिच्छिन्नता है नहीं, परिच्छिन्नता का भ्रम है, द्वैत है नहीं, द्वैत का भ्रम है, न ब्रह्म में अज्ञान हुआ न आत्मा में अज्ञान हुआ, ये बुद्धि में एक भ्रम बैठा हुआ है, ये ब्रह्म है ना ब्रह्म, इसमें जरा सा हेर फेर कर दो, ब्रह्म ब र ह म, ब र की जगह ब ह को एक साथ कर दो और र को बाद में कर दो, बस ब्रह्म का भ्रम हुआ, ब्रह्म ही ब्रह्म है, केवल रेप के विपर्यय से, केवल रेप के उलट फेर से ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो दोष जो है वो न ब्रह्म में है, न आत्मा में है, न सत में है, न चित में है, न आनंद में है, वो तो बुद्धि का एक भ्रम है, और बुद्धि से उसको निकालने के लिए बुद्धि की परिशुद्धि आवश्यक होती है, और बुद्धि की परिशुद्धि में वासना सबसे बड़ी बाधक है। यदि वासना का परिवर्तन हो जाए और स्वर्ग की वासना से संसार के भोग संबंधी वासनाओं को निवृत्त करना एक समय में तो सुगम था, वो तो हम मानते हैं, जब लोगों पर काम शास्त्र पर विश्वास था, परलोक पर विश्वास था, सदगुरु पर विश्वास था, तब वो परलोक में बहुत सुख मिलेगा ये वासना उत्पन्न करके लौकिक वासनाओं को शांत कर देते थे और त्याग तपस्या में जीवन व्यतीत करवाते थे, परंतु समय के परिवर्तन से जो सदगुरु पर, शास्त्र पर, परलोक पर, देहांतर पर, लोकांतर पर जो विश्वास था वो क्षीण हो गया। अब स्वर्ग में हमको अप्सरा मिलेगी, इस विश्वास पर तो यहाँ का भोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसी समय अपने मन में ये लक्षण है, वो ये स्वर्गाधिक प्रतिपादक शास्त्रों की अपेक्षा भागवत शास्त्र का वैलक्षण है, ये दृष्ट सुख के पक्ष में है, वो ये नहीं कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का तुम चिंतन करोगे तो मरने के बाद तुमको रास का सुख मिलेगा, नहीं नहीं आओ अभी 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 भगवान के रास का चिंतन करो, पादन्या सहीर भुज विभूति भी सस्मितैर भ्रू विलासैहि भज्यन् मध्यैश्चलत्पटैहि कुण्डलैर् गण्डलोलैहि विद्यन् मुख्यः कबररतना ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्त्यत्तं तदितैवता मेघचक्रे विरेजुः। जैसे बादल में बिजली चमक रही हो वैसे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इतने कृष्ण की घनी भूत जैसे घनघोर काली घटाओं का समूह जुड़ गया हो और उसमें बिजली 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 चमक रही हो। आप एक बार ध्यान देखो, दुनिया नहीं दिखती है, क्या है, कृष्णमयी काली घटा है, कृष्ण प्रेममयी ये अद्भुत घटा है, और इसमें गोपियों की छटा का दर्शन करो, क्या अद्भुत गोपियों की छटा है। तो कैसे चलते हैं, पादन्यासैहि, पाद का ठुमुक ठुमुक कर नृत्य के ताल पर, नृत्य की गति पर पांव रख रहे हैं, भुज विधितु विधुति भी, वो गोपी हाथ उठा के इशारा कर रही है, ये नृत्य में हाथ उठाना, जिभ खिलाना, भौहें टेढ़ी करना, आंख नचाना, कमर हिलाना, आप एक बार अपने ध्यान को ले चले, पादन्यासैर भुज विधुति भी सस्मितैर भ्रू विलासैहि, भौहें चलती हैं और मुख पर मुस्कान दौड़ती है, भज्यन मध्यैहि
कमर हिलती है, अब टूटी अब टूटी, भजन मध्य ही ऐसी लचकती है मनवा टूट गई। भजन मध्य ही चल कुछ पटी, छाती पर से कपड़े हट जाते हैं, आंखें हट जाते हैं। कुंडल ईर गंडलो लई, कानों के कुंडल गंड स्थल पर आकर चंचलता करते हैं। विद्यन मुखिया पसीना हो रहा है, कबर रसना ग्रंथया, जूड़ा ठीक बता है नहीं नहीं, कबर रसना ग्रंथया, भला ऐसी रात तक पर गोपियों के पास ग्रंथी रह सकती है? सारी ग्रंथियां टूट गईं, कबर रसना ग्रंथया। ये कौन है? ये है श्री कृष्ण वधु, श्री कृष्ण की पत्नी, ये हैं गोपियां जिनके प्यारे, जिनके पतिदेव श्री कृष्ण हैं, जिनके परम प्रियतम परम पति एकमात्र जीवन सर्वस्व परमानंद श्री कृष्ण है। कृष्ण बद्धो गायन्त्यस्तम तदितैवता मेघ चक्रे विरेजुः, जैसे घनघोर घटा में बिजलियां चमक रही हों वैसे कृष्णमयी रास लीला में गोपियां चमाचम इधर से उधर चंचल हो रही हैं, नृत्य कर रही हैं। जिस समय ये रास लीला अपने हृदय पटल पर प्रकट होती है, उस समय एक ओर तो संसार की वासना नहीं है, आप देख लो इसको, जैसे वेदांत में अंतकरण शुद्धि दृष्ट शुद्धि है, पूर्व मीमांसक लोग जो धर्म का फल मानते हैं अपूर्व की उत्पत्ति मरने के बाद, वेदांत में धर्मानुष्ठान का फल अपूर्व की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, तत्काल अंतकरण की शुद्धि जो कि दृष्ट होती है वो मानी जाती है। साफ मालूम पड़ता है हमारे मन में से अशांति दूर हो गई, हमारी इंद्रियों की चंचलता दूर हो गई, कर्मों का विक्षेप नहीं है, अश्रद्धा नहीं है, सारे सद्गुण तत्काल अपने अंतकरण में आकर हो दुर्गुणों की निवृत्ति के रूप में। आपको क्या सुना है, ये सद्गुण अनेक नहीं है, बिल्कुल एक है। मन की चंचलता की निवृत्ति का नाम सम है, और इंद्रियों की चंचलता की निवृत्ति का नाम दम है, और निवृत्ति निवृत्ति दोनों एक है, इसलिए सम और दम दो नहीं है। व्यावत के भेद से इनके भेद का वर्णन है, स्वरूप भेद से इनके भेद का वर्णन नहीं है। कर्मों की निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति, अहंकार की निवृत्ति, चंचलता की निवृत्ति, शंका कुशंका की निवृत्ति, ये निवृत्ति रूप होने से सब के सब निवृत्ति रूप सद्गुण एक है, और दुर्गुणों की निवृत्ति ही इनका स्वरूप है। अंतःकरण शुद्धि बिल्कुल दृष्ट शुद्धि है, इसी जीवन में उसका अनुभव होता है, और सारी जिंदगी हाथ धोने में बीत जाए और अंतःकरण शुद्ध न हो, अंतःकरण शुद्ध न हो, उसका अनुभव न हो, तो तत्व ज्ञान कहाँ से होगा। इसी प्रकार ये जो भगवान की भक्ति है, थाली साफ करते हैं लोग, ये तो प्रश्न उठ जाता है कि ये थाली स्टील की है कि पीतल की है, इसमें कलई की हुई है कि नहीं कलई की हुई है। अरे बाबा, अपने दिल के बारे में एक प्रश्न उठाओ ना, कि तुम्हारे दिल में कौन से काम क्रोधादि दोष शांत हो गए, कितनी निर्मलता तुम्हारे अंतःकरण में आ गई, उस निर्मलता के बिना तो काम चल नहीं सकता। तो अब आपको ये रासलीला का जो प्रसंग है ना, इसके बारे में एक दो बात सुनाते हैं। पहले प्रेम की बात है, भगवान ने बुलाया, जगऊ कलम ऐसा मंत्र बजाया, कलम क ल बिंदु और बाम दृशा और बिंदु, बाम दृशा माने इकार, काम बीज, काम बीज शब्द का अर्थ होता है दुनिया के बारे में आपकी काम वृत्तियां हैं, उनकी जगह पर कार्य काम वृत्तियों के स्थान पर कारणभूत जो काम है परमेश्वर के साथ, उसका उदय हो जाए, वो बीज मंत्र कलम का माने सुख, हे कृष्ण तुम मेरे सुख हो, ल माने जीवन सर्वस्व जिसमें लय हो जाता है, ई माने बद और म माने प्रेम, हे प्रभु तुम हमारे सुख हो, तुम हमारे जीवन सर्वस्व हो, तुम हमारे बल संबल हो और तुम हमारे प्यारे हो। जब हम कृष्ण के नाम के साथ काम बीज को जोड़ते हैं, काम बीज को जोड़ते हैं तो भगवान के लिए होता है,
लेकिन जब कृष्ण ही इस बीज का उच्चारण करें तब उसका अर्थ क्या होता है? तब उसका अर्थ होता है, गोपियों तुम हमारे लिए परमानंद स्वरूप हो, हमारा आनंद तुम्हारे अंदर है। हे गोपियों, तुम्हारा ही हमको आश्रय है, तुम ही हमारे सहारे हो, तुम ही हमारी जीवन सर्वस्व हो, तुम ही हमारी प्यारी हो। गोपियों देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके वन में आया हूँ और एक पांव पर खड़े होकर, सर्वांग ललित भाव से खड़े होकर, मैं मुरली मनोहर, सीतांबर धारी, श्याम सुंदर, मोर मुकुट द्वारा तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि तुम हमारी सुख हो, तुम हमारी जीवन सर्वस्व हो, तुम हमारी बल संबल हो और तुम ही हमारी प्यारी हो। कठोरा भव मृद्वीवा प्राणास्त्वमसिराधिगे अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखां विना गतिहि। चाहे तुम कठोरता करो, चाहे कोमलता करो, तुम ही हमारी प्राण हो, तुम ही हमारी जीवनी हो, तुम ही हमारी सर्वस्व हो। अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखां विना गतिहि। गोपी, जैसे चकोर के लिए चांदनी के सिवाय और कोई गति नहीं है, वैसे कृष्ण बोलते हैं, मेरे लिए तुम्हारे सिवाय और कोई गति नहीं है। एक ये भागवत धर्म की विशेषता है। इसमें भगवान छोटे बनकर, झुककर अपने भक्तों के प्रेम को खींचते हैं, अपना बड़प्पन दिखाकर। ये प्रेम की प्रणाली है। प्रेम प्रेम जैसे गंगा जी की धारा हिमालय की चोटी पर नहीं चढ़ती, नीचे मैदान की ओर उतरती है, इसी प्रकार प्रेम की जो गंगा है वो अभिमानी को कभी प्राप्त नहीं होती, जो विनयी होता है उसकी ओर झुकती है। अब देखो, प्रेम, मैं राजा हूँ, बड़ी बड़ी मूछों वाला हूँ और मेरे पास ऐसी ऊंची कुर्सी है, हमको तुम्हें प्रेम करना पड़ेगा हमसे, नहीं तो हम तुमको जेल खाने में भेज देंगे। ऐसे प्रेम होगा? ऐसे प्रेम नहीं होगा। तो मैं तुम्हारे नाशिशारे पर अपने राज्य को निछावर करके और लुटा सकता हूँ, मैं अपने प्राण तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों के आश्रित हूँ। जो छोटा बनता है उसको प्रेम की प्राप्ति होती है, जो बड़ा बनता है उसको प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। एक सिद्धांत देखो, रात पंचाध्यायी के प्रारंभ में ऐसी ढंग से ये व्यक्त किया गया है। पहले तो भगवान ने बांसुरी बजाई, मितम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजत्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाहा सजत्र कांतो जवलोग कुंडलाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम हमारी सुख शांति हो कलम, तुम हमारी सुख शांति हो। गोपियों ने कहा, हमारे सुख की पराकाष्ठा कृष्ण है। सजत्र कांता सत्य सुख से अंता काष्ठा कांता, हमारे सुख की पराकाष्ठा कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, हमारे सुख की पराकाष्ठा तुम हो गोपी, और गोपी कहती है, हमारे सुख की पराकाष्ठा तुम हो। ये बड़ी अद्भुत बात है कि जहाँ स्वामी सेवक भाव होता है ना, वहाँ एकांगी प्रेम होता है, और जहाँ कांता भाव होता है, मधुर भाव, प्रेयसी प्रियतम का भाव, प्रिया प्रियतम का भाव, वहाँ प्रेम एकांगी नहीं होता। वहाँ प्रेम दोनों ही विभावों के अंदर, दोनों ही विभावों के अंदर समान प्रेम होता है, प्रेम का सामर्थ्य होता है, तब तब वो प्रेम चलता है। ब्रज में बोलते हैं, सारस क्या जाने प्रेम, हरिवंश जी का पद है, सारस क्या जाने प्रेम। क्यों? तो उसको कभी वियोग का अनुभव नहीं हुआ, दोनों साथ साथ खेलते हैं। और चक्रवात क्या जाने प्रेम, तो उसको कभी संजोग दुख मिले ही नहीं। मछली मछली क्या जाने प्रेम, क्योंकि उसने जल से प्रेम किया, जल ने तो मछली से प्रेम किया ही नहीं। तो ये सब के सब प्रेम अधूरे हैं। प्रेम सब पूरा होगा, बोले जब एक दिन के लिए कम से कम चंद्रमा चकोर हो जाए, और चकोर चंद्रमा हो जाए, जैसे चकोर चंद्रमा को पीता है वैसे चंद्रमा चकोर को पीने लगे। प्रेम में सामरस्य की जरूरत पड़ती है। प्रेम एकांगी प्रेम तो मालिक और सेवक का होता है, दास्य भाव में एकांगी प्रेम होता है, मधुर भाव में एकांगी प्रेम नहीं होता। बल्कि मधुर भाव में तो कहीं ऐश्वर्य का की कल्पना हो,
तो वो बहुत खटकती है। अब देखो प्रेम, प्रेम की बात आपको सुनाते हैं। गोपियों के प्रेम में पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण के श्रवण दर्शन वर्णन का आनंद है, उसके बाद उनकी प्राप्ति के लिए साधना का आनंद है, उसके बाद उनकी स्वीकृति का आनंद है, उसके बाद श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण का आनंद है, सर्वविध सौविध्य संपादन का आनंद है, और उसके बाद आमंत्रण है श्री कृष्ण का, और उसके बाद देखो गोपियों का त्याग। गोपियों ने के प्रेम में त्याग होता है, वो बिना त्याग के प्रेम नहीं होता। क्या त्याग है? गोपियों ने अर्थ छोड़ा, घर का अर्थ छोड़ा, दूध चढ़ा हुआ था चूल्हे पर उसको जल से छोड़ दिया, हलवा पक रहा था उसको छोड़ दिया, घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए, और पति पुत्र की सेवा शुश्रूषा थी सो छोड़ दी, काम भोग छोड़ दिया, अपना श्रृंगार छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, अपने पारिवारिक कृत्य छोड़ दिए, धर्मार्थ काम मोक्ष सन्यासिनी गोपियां, हमको मोक्ष मिलेगा कि नहीं इसकी भी परवाह नहीं है, हमको तो अपना प्रियतम चाहिए, इसके लिए गोपियां त्याग। अब श्री कृष्ण का आमंत्रण और गोपियों का त्याग। श्रीधर स्वामी ने कहा वस्तुतो विवृत्ति परेयम पंचाध्यायी इति उपरिष्टात् व्याख्याते। रात पंचाध्यायी भोग की लीला नहीं है, निवृत्ति की लीला है। भगवान के लिए गोपियों ने क्या क्या नहीं छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, अर्थ छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, मोक्ष छोड़ दिया। गोपियां आई, एक प्रसंग यहाँ और है, वो भागवत धर्म का बहुत स्पष्ट स्पर्श करता है। परीक्षित का प्रश्न कि गोपियां तो कृष्ण को ब्रह्म रूप से नहीं जानती थी, वो तो अपना प्यारा समझती थी, लेकिन उन्हें संसार से, कृष्ण से प्रेम करके संसार से मुक्ति कैसे मिल गई? कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म दया मुने। ब्रह्म ज्ञानियों के सामने एक बड़ी भारी शंका खड़ी कर दी राजा परीक्षित ने कि तुम तो कहते हो कि ज्ञान के बिना भगवान की प्राप्ति होती नहीं, और यहाँ तो गोपियों को श्री कृष्ण के ब्रह्मत्व का ज्ञान ही नहीं था, उनको कैसे भगवत प्राप्ति हो गई? और इसका जो समाधान है वही भागवत धर्म का सिद्धांत है। इसका समाधान ये है कि ये जितने धर्मानुष्ठान हैं ये कर्ता आत्मा की प्रधानता से हैं। योगाभ्यास कर्ता आत्मा की प्रधानता से है, फल में भले अकर्ता होता हो लेकिन अभ्यास तो कर्ता ही करेगा। उपासना कर्ता की प्रधानता से है, लेकिन ये भक्ति धर्म जो है ये कर्ता जीव की प्रधानता से नहीं है, ये भगवत्ता की प्रधानता से है, भगवत अनुग्रह की प्रधानता से है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? स्मरणाम मित्रे साधायो व्यक्तिर भगवतो नृप, वो तो इस संकल्प से अवतार लेकर आए हैं, प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण कि हम लोगों का कल्याण करेंगे। अब वो अवतार भी लें, उनसे प्रेम भी हो जाए, वो मिल भी जाए और संसार की निवृत्ति न हो, तब उनके अवतार लेने का प्रयोजन ही क्या रहा? व्यर्थ हो गया अवतार। इसलिए न वस्तु शक्तिर बुद्धिम अपेक्षते। श्रीधर स्वामी ने कहा कि वस्तु की, ये देखो सगुण सिद्धांत है, सगुण सिद्धांत ये होता है कि चाहे तुम अनजान में भी अमृत पी लो तो अमृत हो जाओगे, और अनजान में भी विष पी लो तो मर जाओगे। तो वस्तु शक्ति जो है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती, ये श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, इनको चाहे जानो चाहे मत जानो, जो श्री कृष्ण से प्रेम करेगा उसका कल्याण है। अब देखो श्री कृष्ण में बांसुरी का तो शब्द है, कैसा बढ़िया मधुर मधुर बोलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उनका कितना कोमल स्पर्श है, उनकी कैसी सुंदर रूप माधुरी है, उनका कैसा रसीला मुस्कान से भरा उनका अधरामृत है, कैसी मह मह दिव्य गंध उसकी उनके शरीर से निकलती रहती है। यदि तुम्हें वासना है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तो वो श्री कृष्ण में पूरी भी होगी, और वे प्रपंच नहीं है, वे संसार नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा परम कल्याण भी हो जाएगा। तो जब नचैवम विस्मय कार्यो भवता भगवते जय, भगवान से प्रेम करके
और किसी का कल्याण हो गया इस पर कभी आश्चर्य नहीं करना। क्यों नहीं करना? यत एतद् विमुच्यते, यत एतद् विमुच्यते, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करके कोटि कोटि ब्रह्मांडात्मक जो प्राकृत प्रपंच है उसकी मुक्ति हो सकती है, तो एक व्यक्ति की मुक्ति होने में तो संदेह ही क्या है। एक भागवत धर्म का सिद्धांत, एक तो सिद्धांत ये प्रकट हुआ कि भगवान बुलाते हैं, दूसरा सिद्धांत ये प्रकट हुआ कि भगवान जिसको बुलाते हैं उसके जीवन में त्याग आता है, और तीसरा सिद्धांत ये आया कि ज्ञान हो चाहे न हो भगवान से प्रेम परम कल्याणकारी होता है। अब एक देखो चौथा सिद्धांत, ये रासलीला के प्रारंभ में ही है, वो ये रासलीला की भूमिका है, ये रासलीला का प्रारंभ है। एक चौथा सिद्धांत देखो, भगवान ने कहा लौट जाओ, क्योंकि पूर्व मीमांसा की रीति से मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के अनुसार, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के अनुसार और पूर्व मीमांसा के द्वारा वेद तात्पर्य का निर्णय करने पर ये धर्म सिद्ध होता है कि तुम लोग अपने पति पुत्रादि की सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल स्मार्ट धर्म, श्रौत स्मार्ट, श्रौत स्मार्ट धर्म का उपदेश किया, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक है। वर्तु शुश्रूषाम स्त्रीणाम परो धर्मो ये मायया, तदबंधूनाम च कल्याणिया, प्रजानाम चारुपोषणम, दुस्तीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धरो विवाह, पति स्त्री भी नहातव्यो लोके सुभिर पातकी। एकदम श्रौत स्मार्त धर्म का भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया। तो एक तो श्रौत स्मार्त धर्म ही बड़ा पवित्र धर्म है, और दूसरे यदि उसका उपदेश स्वयं अपने परम प्रियतम प्राणनाथ जीवन धन श्री कृष्ण ही करते हो, तब तो उस धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है। परंतु महाराज हुआ क्या, गोपियों ने कहा चले हैं बड़े धर्म के उपदेश करने के लिए। धर्मशास्त्री जी महाराज, तुम पूर्व मीमांसा के अनुसार धर्म का उपदेश करते हो, और हम हैं उपनिषदें, हम हैं श्रुतियां, हमारे तात्पर्य का निर्णय तो होगा उत्तर मीमांसा के अनुसार, पूर्व मीमांसा के अनुसार चौथ स्मार्त धर्म का निर्णय होता है, और उपनिषद भागवत धर्म का, श्रौत भागवत धर्म का निर्णय होता है उत्तर मीमांसा के अनुसार। ये वेदांतिक धर्म है, ये क्रियात्मक धर्म नहीं है, आस्थात्मक धर्म है, ये भावात्मक धर्म है। तुमने ठीक अधिकारी के लिए अपने धर्म का उपदेश नहीं किया, तुमने जो कुछ कहा, जो लोग विषयी हैं, विषय प्राप्ति के इच्छुक हैं इस लोक में और परलोक में स्वर्ग आदि में, उनके लिए तुमने धर्म का उपदेश किया, और हम गुरुदेव जी ने गवाही पहले ही दे दी, तदर्थ यूनिवर्सित सर्व कामा, ये सकाम धर्म नहीं है, सकाम धर्म नहीं हो, तदर्थ यूनिवर्सित सर्व कामा, वे श्री कृष्ण के लिए सारी कामनाओं को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं, लौटा चुकी हैं, वे कोई स्वर्गादि की कामना से धर्म पालन करने के लिए आई नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश ठीक नहीं। सुखदेव जी बिल्कुल पक्ष में है, निवृत्ति धर्मा है, सुखदेव जी महाराज निवृत्ति धर्मा है और गोपियों के पक्ष में है। मैवम मृगोर हति भवान गदितुम नृसंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। गोपी स्वयं स्त्री मुख से बोलती है, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ताः। हम विषय रागिनी नहीं है, हम विषय रागिनी नहीं है, कतब का हम श्री कृष्णानुरागिनी है, हम श्री कृष्ण की अनुरागिनी है, हम विषय की अनुरागिनी नहीं है। जिनको चाहिए इस लोक और परलोक में विषय, उनके लिए श्री कृष्ण तुम्हारा धर्मोपदेश ठीक है। हमको न इंद्र की पदवी चाहिए, न ब्रह्मा की पदवी चाहिए, न स्वर्ग का सुख चाहिए, न लोक का सुख चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण तुमको अधिकारी की पहचान नहीं है। अरे लो पूर्व पक्ष में डाल दिया, श्री कृष्ण को तो गोपियों ने बिल्कुल पूर्व पक्ष में डाल दिया और स्वयं उत्तर पक्ष में बोलने लगी। सत्य पथ्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग, ऐसी महाराज ये
11 जो श्लोक हैं गोपियों के, ये 11 श्लोक जो हैं गोपियों के, ये सब श्रुतियों से भरे हुए हैं। ये सचमुच उपनिषदों के मंत्र हैं। कोई एक मई वम विभोर अति भगवान गदितुम नृसंसम संत्यज्य सर्व विषया तव पाद मूलम भक्ता। जिनके मन में संसार की कोई कामना नहीं है तो उनके लिए तुम सकाम कृत का उपदेश कर रहे हो का अंतित है। लो श्री कृष्ण के वचन का निषेध कर दिया। यत् पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंगो स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से। विदिशा वाक्य से सभी धर्मानुष्ठान का तात्पर्य भगवान में है। समेतम ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञ नो दाने नो तपसा अनासके नो। दान किस लिए, यज्ञ किस लिए, तपस्या किस लिए, उपवास किस लिए, जिससे भगवत प्राप्ति की इच्छा अपने मन में उदय होवे। और हमारे मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा उदय नहीं हुई है। हम तो रास्ता तय करके भगवान के पास पहुंच गए हैं। अब जो यज्ञ का फल है वो हमको मिल गया। उर्वंति हित त्वयि रतिम कुशला स्वयात्मन नित्य प्रिय प्रतिसुता दिवि राति दैकिम। हमको वैराग्य भी है और हम बिल्कुल श्रुति स्मृति शास्त्र के अनुसार काम कर रही हैं। तुम हमको रोकते क्यों हो। एक एक बात गोपियों ने श्री कृष्ण की काट दी। अब देखो ये तो गोपियों का हुआ प्रेम, गोपियों का हुआ विवेक, गोपियों की हुई योग्यता, गोपियों की हुई स्थिति। वो सचमुच श्री कृष्ण के साथ राज करने योग्य हैं, परंतु श्री कृष्ण की विशेषता देखने योग्य है। ये भागवत, ये भागवत की खास बात है। इसको यदि कोई नहीं पकड़ेगा तो भागवतार्थ का ज्ञान ही नहीं होगा। भगवान ने कहा गोपियों ठीक है, हमने पूर्व पक्ष की बात कही थी, तुम उत्तर पक्ष की बात कर रहे हो। अपने को झट भगवान ने हरा दिया हो गोपियों के सामने। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि कभी किसी का प्रेम आपको लेना हो तो बहस में उसको हराना कभी नहीं, उसके साथ हार जाना। हार जाने वाले पर जितना प्रेम होता है उतना हराने वाले पर प्रेम नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को स्वयं हार गए और गोपियों को हरा दिया। आचार्य ने तो कहा है यही श्री कृष्ण का ईश्वरत्व है, यही भगवत्व है भगवान का, कि अपने को हरा दें और सामने वाले को जिता दें। और फिर भी ज्यों के त्यों, फिर भी ज्यों के त्यों कुश्ती में श्री रामा उनको पटक दे, खुद नीचे पड़े हुए चित और ऊपर चढ़ा हुआ है छाती पर श्री रामा। बोले आप बोलो लाला। कहा भैया हार गए हम तुमसे। कंधे पर लेके ढोते हैं और शास्त्रार्थ में पूर्व मीमांसा बन गए स्वयं, उत्तर मीमांसा बन गए गोपियां और हार गए। हारने वाला प्रेम प्राप्त करता है, जीतने वाला नहीं। विनयी को प्रेम प्राप्त होता है, अभिमानी को प्रेम प्राप्त नहीं होता। ये रास पंचाध्यायी का बड़ा सुगम प्रारंभ है। प्रहस्त सदयम गोपी आत्मा रामो प्यरी रमत। भगवान ने गोपियों के साथ विहार किया। आत्मा रामो की हरी रमत। इसमें ये बात बताई कि श्री कृष्ण को भी स्वसुख की अपेक्षा नहीं है। गोपियां चाहती हैं कि हम अपना सुख श्री कृष्ण को दे दें और श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपना सुख गोपियों को दे दें। न श्री कृष्ण गोपियों से सुख चाहते हैं और न गोपियां श्री कृष्ण से सुख चाहती हैं। सुख तो बीच में फुटबॉल है। गोपी मारती है जा कृष्ण के पास और कृष्ण मारते हैं जा गोपियों के पास। सुख लिहाज से प्रेम में, प्रेम जो है उसमें स्वसुख की अभिलाषा नहीं होती है। तो ये रासलीला के प्रसंग में बड़े बड़े सिद्धांत प्रकट किए गए हैं। बीच में थोड़ी सी काम की बात करना है। श्री भरत स्वामी का तो कहना है कि काम का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने ये रासलीला जोड़ दी। काम का सौंदर्य, काम का माधुर्य, काम का आकर्षण, काम का आमंत्रण, सब का सब फीका पड़ गया। ऐसी लकीर खींची कि पहले की जितनी लकीरें अर्थ की, धर्म की, काम की, मोक्ष की, जितनी लकीरें खींची हुई थी सब छोटी पड़ गई इस श्री कृष्ण की लकीर के सामने। क्या था श्री कृष्ण का स्वरूप, एक अर्थ आपको पहले प्रकट करता हूँ।
बाहु प्रपार परिरंभ कराल कोरु दीवी स्तनाल भन नर्मन खाग पाधे। कामी लोग को पढ़ने में शर्माते हैं, जो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, कामियों को शर्म आती है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनाल भन नर्मन खाग्र पाथई श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिम रमयाम चकार। पहले आप ध्यान दो, ब्रज सुंदरीणाम बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनाल भन नर्मन खाग्र पाथई ब्रज सुंदरीणाम कर्त्रीणाम श्वेल्यावलोक हसितैः रतिपतिम उत्तम भयन रमयाम चकार। ये जो ब्रज सुंदरियां हैं, ये क्या क्या छेड़छाड़ नहीं करती हैं, क्या क्या देख के नहीं मुस्कुराती हैं, क्या क्या नहीं हंसती हैं, क्या बाह फैलाती हैं, क्या हृदय से लगा लेती हैं, क्या उनके हाथ छूती हैं, क्या उनके बाल छूती हैं। गोपियां सत सत चेष्टा कर रही हैं श्री कृष्ण के साथ। ब्रज सुंदरी नाम खेल्यावध होकर अतिपति ब्रज सुंदरी नाम कर्त्री नाम ब्रज सुंदरी नाम रतिपतिम संभयन रमयांशकार। और जो काम है उसको कह दिया कि बेटा बाप की लीला में आने की हिमाचत मत करो। काम से काम का बाप है, वो काम का बाप कौन है? कृष्ण है। प्रद्युम्न का जन्म किससे हुआ है? कृष्ण से हुआ है। बोले कि देखो बेटा, जब तुम्हारा ब्याह हो तो वहाँ जाना, अभी हमारी लीला में तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है, तुम करोगे क्या? उप संभयन उप ऊर्ध्वमेव आकाशेव संभयन। धनुष बाण लेके आया था काम, बड़ा अभिमानी, बोले हमने ब्रह्मा को जीता, हमने शिव को जीता, हम कृष्ण को भी जीतेंगे। परंतु ब्रह्मा विजय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्री पतिर गोपी रास मंडल मंडलहा। काम पर काम की तो वहाँ गति ही नहीं है। उत्तम भयन रतिपतिम रमयाम चकार, गोपियों के साथ भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। और नारायण कामदेव बेहोश होकर के ऊपर ही अटका हुआ है, धरती पर भी नहीं गिरा। धरती पर पांव नहीं रखने दिया काम को, काम को धरती पर पांव नहीं रखने दिया, ऊपर ही बेहोश कर दिया। अच्छा, अब आपको एक बात थोड़ी सी सुनाते हैं। इस रास में विघ्न आए, विघ्नों की गति बड़ी होती है। लोग अपनी वासना ही तो भगवान के साथ जोड़ते हैं ना, अपनी वासना भगवान के साथ जोड़ते हैं और वासनाओं की गति बहुत ऊंची है। तो यहाँ हुआ ये, यशोदा मैया कृष्ण को देखना छोड़कर पूतना को देखने लगते हैं और भगवान भागते हैं, लोगों की भीड़ देखने लगते हैं भगवान भागते हैं। बाल बाल कृष्ण को छोड़कर वृंदावन की शोभा के नाम पर अजगर को देखने लगते हैं, तब भगवान वहां से भाग जाते हैं। गड़बड़ होती तो वात्सल्य रस में और सख्य रस में अपने प्रियतम को छोड़कर दूसरों पर दृष्टि जाती है और वो विघ्न होता है। लेकिन मधुर रस में अपने प्रियतम को छोड़कर यदि किसी दूसरे पर दृष्टि चली जाए तो वो विघ्न नहीं व्यभिचार हो जाएगा। इसलिए गोपियों के विघ्न में दूसरे पर दृष्टि नहीं है। आप देख लो क्या हुआ, ग्वाल बाल की दृष्टि दूसरे पर जाती है, यशोदा मैया की दृष्टि दूसरे पर जाती है, क्योंकि मैया दूसरे को देखे और भैया दूसरे को देखे और बाप दूसरे को देखे, देखे तो देखने दो, लेकिन यदि अपनी श्रीमती जी ही दूसरे को देखने लगे तो गड़बड़ मामला हो जाएगा ना, मामला ही गड़बड़ा जाएगा। तो ये देखने में आया यहाँ, ये संभाल देखो भागवत धर्म की, कि गोपियां श्री कृष्ण की ओर तो नहीं देखती हैं, लेकिन दूसरे की ओर भी नहीं देखती हैं। एक प्रेम की ये भी लीला है, जिसका विषय से प्रेम होगा ना, संसार के विषय से, वो अपने आत्मा की भी उपेक्षा कर देगा और परमात्मा की भी उपेक्षा कर देगा। परमात्मा का तो उसको माना ही नहीं, भूल जाए, और अपने आप को भी भूल जाए, केवल विषयों से प्रेम करे। और जब योगी लोग महाराज आत्मा से प्रेम करके निरोध लगाते हैं और अपने अथंग दृष्टा स्वरूप में स्थित होते हैं,
वो भी श्रुति के अनुसार नहीं, अपने अभ्यास की प्रबलता से। तो ये भगवान न उनको फिर ईश्वर की मान्यता रह जाती है और न विषय में प्रेम रह जाता है। आत्म प्रेमी हो गया तो दूसरा ईश्वर मानना उसके लिए मुश्किल हो गया। युग में दृष्टा और दृश्य दो ही तत्व स्वीकार है और तत्व की साक्ष्य है, और ईश्वर का प्रेमी कोई हो जाए तो उसको न विषय सूझेगा और न अपना आपा सूझेगा, उसको तो ईश्वर सूझेगा। ईश्वर के प्रेमी को आत्मा की और विषय की उपेक्षा, विषय के प्रेमी को आत्मा और ईश्वर की उपेक्षा, और ईश्वर के प्रेमी को आत्मा की और विषय की उपेक्षा। ये भक्ति भाव जो है बड़ा प्रचंड है। वो गोपियों का तो मधुर रस, उनकी दृष्टि कृष्ण पर से तो हटी, ये विनायक, और गई कहाँ, दूसरे पर नहीं गई, अपने ऊपर आई। आत्मान मे निवेश त्रीणाम मानिन्योग्यधिकम भुवि, माननी हो गई और अपने आप को देखने लगे। श्री कृष्ण ने किसी को छेड़ा, किसी का कपड़ा खींच लिया, किसी की उंगली दबा ली, कृष्ण किसी को उंगली से ठोक दिया, अरे बाबा मेरी ओर तो देखो। गोपियों की तो आंख बंद और नाचे सही, गावे सही, लेकिन आंख बंद कृष्ण की ओर न देखें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा गोपियों, अब तुम लोग अपना होश चाटो, अपनी सुंदरता निहारो, अब मेरी तुमको जरूरत नहीं है, तो मैं जाता हूँ, जब मेरी जरूरत होगी तब मैं आऊंगा। अंतर हिते भगवती, अंतर हिते माने अंतर्धान हो गए, अंतर हिते माने तो हित जो है उसको भीतर ले लिया। मया परोक्षम भजता तिरोहितम, तो ये विघ्न भी कहता है। असल में प्रेम में आत्मदृष्टि भी विघ्न है, प्रेम में आत्मदृष्टि भी विघ्न है, प्रेम में विषय दृष्टि तो विघ्न है ही, प्रेम में आत्मदृष्टि भी विघ्न है। इसी से आप सोच सकते हैं कि प्रेम की गति कितनी ऊंची है। आसृष्टे रक्षयिष्णुम हृदय विधुमणि ब्रावणम वक्त्रिमाणम पूर्णत्वे च्युद्वहन्तम् निज रुचि घटया साध्वतम वंशयन्तम् तन्वानम संप्रदोते नव नव रुचिता संपदम मादनत्वा।